अंगिर उवाच। अंगिरस महर्षि गाने लगे, अपिते अनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिविर्गुप्तः पुमान राजापि सप्तमी। कहते हैं कि अपिते अनामयं आत्मनः प्रकृतीनां च स्वस्ति। कहते भाई और बताओ, तुम्हारी अपना और तुम्हारे प्रकृतियों का क्या निरोगता पूर्वक स्वस्थ है या नहीं? कल्याणकारी अपना जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राजा का 7 प्रकृतियां होते हैं, जैसे प्रत्येक मनुष्य शरीर के 7 प्रकृति है, 7 धातु है नहीं, हाथ मांस वगैरह मिलाकर के 7 धातु कहा जाता है। इन सब धातु ठीक ठाक है तो आप ठीक है, सब धातु से एक भी धातु बिगड़ जाए तो आप अस्वस्थ है। उसी प्रकार से राजा के अपने राज्य में 7 प्रकृतियां होती है। कौन से है? स्वाम्य मात्यौ जनपदा दुर्गद्रव्य संचया दंडो मित्रं च तस्येता सप्त प्रकृतयो मदा। स्वामी अमात्य जनपदा दुर्ग द्रविण संचय दंड मित्रंच, स्वामी होना चाहिए। अरे राजा क्या, हमेशा राजा अपने आप को स्वामी ना समझे, हमेशा कुलगुरु राजगुरु कोई इनको हो उनको मालिक माने, अपना स्वामी मान के चले। दूसरा है अमात्य मंत्रिवर्ग, तीसरा है जनपदा, चौथा है दुर्ग किला, पांचवा है अर्थ द्रवण संचय, कोष में कितना माल टाल है, कितना हो गए 2, 3, 4, 5 हो गए। छठा है दंड, कहीं ऐसा हो मन में भाई अन्याय पूर्वक दंड दे दिया, किसको न्याय पूर्वक दंड देना था अन्याय कर दिया है, इस प्रकार से दिया हो आदमी दुखी रहेगा मन से, नहीं नहीं यदि उसके बारे में सोच रहे हमने गलत कर दिया तो राजा दुखी हो जाता है, इसे दंड भी सम्यक होनी चाहिए। और अंत में मित्रंचा नहीं नहीं द्रविण संचया, वो द्रविण संचय में जब पोष नहीं लिया दंडोला, सेना कहाँ से ले लिया बता नहीं, यहाँ तो है नहीं दंडो मित्रंचा। और सेना से बड़े पुलिस भी लेते ना, ऐसे ले लो दंड से कोई सेना ले ले तो कोई आपत्ति नहीं बनता, क्योंकि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग नहीं होता, सेना नहीं पत्ति सेना को पुलिस आज की भाषा में पत्ति सेना समझो उसको, आज जो पुलिस है ये पत्ति सेना कहा जाता था, वही दंड देते थे, पकड़ के लाना पीटना सीटना सच्चाई बुलवाना उसे सब कुछ जो होता है आजकल पुलिस डिपार्टमेंट जो काम करते हैं ये काम पत्ती सेना किया करती थी, इसलिए सेना का जो दंड का कारण पूछता वो ठीक है तो सब कुछ ठीक चलता है राज्य। इस प्रकार 7 चीजें जो ना स्वामी से अर्थ ले गुरु स्वयं, स्वामी शब्द का दिया गुरु लेना, और तो स्वयं ही कई बार स्वामी हो जाते जब किसी को मानता नहीं तो क्या है स्वयं मां स्वामी है नहीं वो सब ठीक ठाक होने चाहिए 7 तत्व यथा प्रकृति में गुप्त दृष्टान किया, जैसे 7 जो आपकी जो है धातु है इनके द्वारा यह पुरुष मनुष्य अपना शरीर सुरक्षित है, उसी प्रकार से राजा भी इन 7 प्रकृतियों के द्वारा सुरक्षित रहता है। आत्मानं प्रकृति श्रद्धा निधाय श्री आत्मयात राज्यात प्रकृतयो नर देवाहिदादय। अब राजा करता क्या है, इन 7 प्रकृतियों में अपने आप को रख देता है और निश्चिंत रहता है। इसलिए आत्मानं प्रकृतिशु निधाय श्री आत्मयात, राजा का कर्तव्य है इन 7 जो वर्ग है स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग द्रविण सेना और दंड मित्र, इन 7 पर भरोसा करके जब चलता है वो निश्चित रूप से श्रेय को प्राप्त करता है राज्या तथा प्रकृतयो। और राजा के द्वारा ये सारे के सारे 7 ने क्या है प्राप्त कर रहे हैं, राजा इनके अधीन होकर चलता है और राजा के शासन के अधीन होकर के वो चलते हैं, इस तरह से परस्परम भावयंता सब कुछ सही से रास्ता चलते रहता है, स्वस्थता रहती है,
पूरे राज्य में कल्याण ही कल्याण, स्वस्थ ही स्वस्थ रहेगा। आज का ऐसा नहीं है, छह प्रकृति नहीं है आज का, लहर कहा कुछ भी नहीं है, न राजा है न प्रजा ही है, प्रजा भी ऐसे ही राक्षस हो रखे, राजा भी राक्षस से फर्क क्या पड़ा है, ये सब ठीक, सब अशांति। राजा राज्य तथा प्रकृति है, है? वो है क्यों नहीं, अपने अपने मानते मानने वाले, लेकिन जो है वो अपने स्वार्थ के लिए मानते, धर्म दृष्टि है उनके मार्गदर्शन में राज्य के संचालन के लिए नहीं मान रहे, वो अपने गति बना के चले, अगले चुनाव कैसा जीते उतने मात्र में सीमित है, गुरु का संबंध जो होता है। राज्य तथा प्रकृति नरदेव आहितादेय, यह नरदेव हितादेय भी है, आहितादेय भी है, आहतादेय भी है, पाठ भेद है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। प्रकृति भी राज्य आहित आदेव माने नीत निक्षेपाह, धन ही समृद्ध भवति, धन के द्वारा समृद्ध होते हैं सभी के सभी, राजा के अधीन होकर सभी व्यवस्थित रूप से चलते हैं तो सभी के अंदर समृद्धि प्राप्त होता है। और आहतादेव हो तो आसंत हत आधे माने व्याधियो ऐसा ऐसा अर्थ है। आज सभी के सभी उनके ना किसी प्रकार के मानसिक पीड़ा चिंता ग्रस्त नहीं होते, भय आदि ग्रस्त नहीं होते हैं, ऐसे राज्य के द्वारा प्रेरित होकर तो उसकी प्रकृति सात चीजें सम्यक समन्वित होकर कार्यान्वित होते हैं। तो इसलिए यहाँ अंगिरा महर्षि पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ तुम्हारे राज्य में आप और आपकी प्रकृति परस्पर आदान प्रदान करता हुआ समय व्यवस्थित होंगे। अपितारा प्रजा मात्या भृत्या श्रेण्योत मंत्रिण पौरा जान पदा भूपा आत्मजा वशवर्तिन, बीज बो दिया आत्मजा कर दिया, उसके मर्मस्थान जिसके लिए पीड़ित है, आत्मज के लिए तो पीड़ित है, वो पुत्र नहीं है घर के, वो डाल दिया, तुम उससे बहुत प्रसन्न हो लग रहे हो, है पुत्र ही नहीं, और जो कहो तुम पुत्र से बहुत प्रसन्न होंगे। अपि तारा प्रजा मात्या, तारा प्रजा अमात्य भृत्य श्रेण्यो अथ मंत्रण मंत्रियों की समस्त श्रेणी पौरा जानपदा अन्य जो भूपालगा आत्मजा च ये सर्वे वशवर्ती न हो, ये सब के सब तुम्हारे वशवर्ती हो करके रह रहे हैं ना, कहीं भी विद्रोह कर दिया जाए तो भाई परेशानी तो होगा, नहीं हड़ताल कर देते हैं तो क्या होता है, पूरा मंत्रिमंडल हिल जाता है, प्रधानमंत्री तो परेशान ही क्या हो गया, पूरी की पूरी जो है एक डिपार्टमेंट हड़ताल कर देता है, या नहीं किसी भी एक हिस्से में खटपट हो जाए तो ऊपर तक के प्रशासन को हिलना पड़ जाता है। इसलिए पूछ रही है सभी वर्ग तुम्हारे वश में है, इसका मतलब कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, आज समय प्रकार तुम्हारा राज्य संचालन हो रहा है, आज तुम अवश्य प्रसन्न होंगे। यस्यात्मान वशश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्त्रिताः, ये क्यों कह रहे हैं अंगिरा महर्षि, वो भी बता दिया, जिस राजा के यस्य आत्मान वश जिसके अंतकरण मन के संकल्प के अधीन होकर के सर्वे इत्ते स्यात्, यदि ऐसा है तो तद्वशगा इमे और उनके वश राजा के वश में ही विद्यमान रहने वाले सभी होते हैं तो क्या होता है, सलोक सतारा लोका देवता लोग भी अष्ट दिक्पाल अन्य जितने भी देवता लोग है वे भी उसको सभी प्रकार का बलिम इच्छन्ती अतंद्रदासंत बलिम इच्छन्ती, बिल्कुल आला आलस्य के बिना ही उसको समस्त प्रकार के बलि भेंट पूजा प्रदान कराए, मैंने उसकी जो है मनोकामनाएं पूरी होती रहती है। इसलिए टीकाकार कहते तव मन स्ववशेवा नवा, क्योंकि जिसका राज्य का अपना मन अपने वश में रहेगा तो सारा राज्य को अपने वश में रख सकता है, जिस राज्य का अपना मन अपने वश में नहीं है वह राज्य कभी राज्यपाल नहीं कर सकता, राज्य का जो संचालन नहीं कर सकता। जितने भी राजाओं को देखिए यही हालत हुआ, अपना मन वश में नहीं और मन दे दे किसी हाथ में, वेश्याओं के हाथ में, नाचने वालियों के हाथ में, और दिन रात नाच ही देख रहा दारू पी करके, है ना, ये सब होने के बाद तो देश बर्बाद हुआ था,
जिसके राजा का मन अपने वश में रहता है वह सभी को अपने वश में रख सकता है, नियंत्रित राजा। इधर हित विज्ञानवान सारथी कठोर परिषद में कहा, जिसके मन अपने वश में रहेगा वह सब कुछ नियंत्रण में रख सकता है, संसार में इसमें कोई संशय नहीं है। तब जो है यस्य आत्मने मन अनुवश अनुवर्ती अधीनस्य तस्य वशगा इमे सर्वे भवन्ति, उसके वश में सब हो जाएंगे, कौन दारा प्रजा माति ते सब के सब उसके वश हो जाएंगे, तो उसे क्या लाभ होगा, लोकाश्च तस्य बलिम इच्छन्ति। इस तरह से आत्मना प्रियते नात्मा परतः स्वतैव लक्ष्य अलब्ध कामं त्वां चिंतया शबनम मुखम। आत्मना आत्मा न प्रियते, आत्मा मने आप जो है लगता है आत्मना मने मन से प्रसन्न नहीं हो, और आप प्रसन्न होने का कारण भी मैं समझ रहा हूं त्वरत स्वतः दूसरों के कारण से या अपने कारण से, पर तो स्वतवा अलब्ध काम, तुम्हारे कैसे कोई काम नहीं है जो तुम अपने से पूरे नहीं कर पा रहे हो और दूसरे को कह कर दूसरों से पूरा करा भी नहीं पा रहे हो। भरता स्वतवा अलब्ध काम मिति अहम लक्ष्य है, खत्म कैसे आपने लक्षित कर लेगा, चिंतया शबलम मुखम, चिंता के मारे तुम्हारा चेहरा मुरझा हुआ है, निश्चप्रभ है, प्रभाज होनी चाहिए, प्रकाश एक प्रसन्नता कारण छलक होती है वो नहीं दिख रही। एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावरतो वव्याह प्रजा कामस्ततो मुनि। एवं विकल्पितः इस प्रकार से करने पूर्वोक्त विकल्प रोगम पृष्टा, विकल्प रोग पूछा परत सुदोवा है ना, विकल्प रोग पूछा है तुम्हारी कामना अपने से नहीं पूरी हुई या दूसरों से पूरी नहीं हुई, कौन सी वो कामना है निवेदन करो। हे राजन अरे परीक्षित विदुषा मुनिन्ना, विद्वान मुनि के द्वारा विकल्पित किए जाने पर विकल्प पूर्वक प्रश्न डाले जाने पर सह वह चित्र के नामक राजा प्रश्रयावन तो बड़ा विनय भाव से युक्त कर झुका हुआ प्रजा काम सह प्रजा की कामना वाला वह तो मुनि प्रति अव्याह मुनि के प्रति इन वचनों को कहा। चित्रकेतुवाच, चित्रकेतु कहता है भगवन किन्न विजितम तपोज्ञान समाधि भी योगी नाम धस्त पापाराम बैरंत शरीरिशो। भगवन हे पूज्य आप क्या नहीं जानते, हमारे अंतकरण में और बाहर में हम शरीरियों के भीतर बाहर जो कुछ भी है आप योगी लोग जिनके सर्व पाप नष्ट हो चुके पवित्र अंतकरण वाले शुद्ध अंतकरण वाले वो अपने तप ज्ञान और समाधि के द्वारा क्या नहीं जानते हैं, अर्थात आप सब कुछ हमारे अंदर क्या वेदना चल रही है, बाहर की मेरी क्या परिस्थिति है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी आपने प्रेरणा देकर पूछा है भाई परतो सुतोवा कौन सा है तुम्हारा लब्ध काम, इसलिए हम बोल ही देते हमारी क्या इच्छा। तथा पृचत भूयाम ब्रह्मन आत्मनिश्चिंत भवतो विजुदश्चापी चोदित तदरज्ञया। तथापि हे ब्रह्मन पृच्छतो ब्रूयाम, आप पूछ रहे हैं मैं बोलूंगा, मेरे मन में कौन सी चिंता आत्मन यत चिंतितम तद ब्रूयाम, आप मेरे मन में जो चिंता चल रही है वो चिंता मैं आपको बताऊंगा। भवतो विदुषश्चापि, आप यद्यपि इस बात को अच्छे से जानने वाले ज्ञानी पुरुष हैं फिर भी आप ही की प्रेरणा से तद अनुज्ञया और आपकी अनुमति से चोदित सन आपसे प्रेरित होकर आपकी ही अनुज्ञा के द्वारा मैं उस चिंता के बारे में अवगत करा दूंगा। क्या है वो चिंता वर्णन करता है, लोक पालय रि प्राथ्या साम्राज्यश्वर यद न नंदयंत प्रजम वाम क्षुद्र काम विवा परे लोकपाल प्रार्थ्या साम्राज्यश्वर संपदा। लोकपालों के द्वारा भी प्रार्थनीय जो साम्राज्य है ऐश्वर्य है विभिन्न प्रकार संपदाएं वह सब मेरे को बहुत मिला हुआ है,
बैठा हुआ है, लेकिन क्या करो नंदत्य प्रजम्मा, नहीं सारे चीजें जो है ना अप्रज प्रजा रहित तो मेरे को कभी ये प्रसन्न कर नहीं सकते। चुत्रित काम मेवा परे, चुत्रित काम मेवा अपरे, जैसे भूखा प्यासा आदमी है और वो भोजन चाह रहा है, पानी चाह रहा है, उसको सोना चांदी दे दो, वो क्या करेगा उसको लेकर, उसको प्रसन्नता होगी क्या, वो क्या करेगा, वो कहेगा अरे इस समय हमको तो रोटी चाहिए पानी चाहिए, और तुम जो दोगे उसको मैं बाजार ले जाऊंगा, वो भी कहे तुमने चुरा के लाया, कहां से लाया भाई गरीब आदमी, तुम जरूर चुरा के लाया, बोले उल्टा हमको पुलिस में पकड़ा देगा, इसको ले जाओ बेच के भी नहीं खा सकता, क्या मतलब है उसका। उसी प्रकार से मेरा भी हाल है, सारा चीज निरर्थक हो जाता है जब तक जो है पुत्र ना हो। तदप्पा ही महाभाव पूर्व ही सगतम तमह यथा तरे मधुस्तारम प्रजया तत्विधेहिनः, तथा हे महाभाग पूर्व से गतम तमह पाहि माम बदिया, पूर्व मेरे पिताजी ने सह गतम प्राप्तम तमो नरकम, यदि पुत्र नहीं मिला तो क्या होगा, उन पिताजी उनके साथ मैं भी नरक में चले जाऊंगा, क्या वो नहीं जाएंगे कि मेरे ही कारण से जा रहे, वो जा रहे हैं ना, हम मेरे सहित ही जाएंगे, उससे हम लोगों को बचाओ, पुत्र न होने से पिताजी नरक में कुछ जाते हैं, है? इसलिए कि उनको जो देना है वो नहीं दे रहे ना टैक्स, अरे भाई इनकम टैक्स नहीं दोगे तो जेल में जाओगे, नहीं जाओगे पकड़े ले जाएंगे, भाई यहां भी है नित्य श्राद्ध होना चाहिए, मैं कम से कम पाक्षिक श्राद्ध करो या पाक्षिक तर्पण ही करो, करना तो पड़ेगा गृहस्थी, जब तक जनों छोटी है करना पड़ेगा, मां बाप नहीं मरे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, मौज मस्ती आएगी, जय एक भी गए फिर करना पड़ जाएगा सबका, जाते हैं और वो न करने वाला हो गया, हाँ सब जाएंगे, सात पीढ़ी तक सब जाएंगे, पिता क्यों जाएंगे, वो जो न करता उसको जाएंगे, पिता भी ये सब क्या अपुत्र होने का कारण कौन है, सब है, सात पीढ़ी धीरे धीरे पाप बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, वो असर करते 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 अंत में खत्म हो गया, एक साथ खत्म नहीं होती है, ये वृक्ष है ना, एक साथ धोनी नीचे कोई काट दे, धीरे धीरे डाली डाली करती है, अब तो मूल कट जाता है, वो नाराज इसलिए होगा ना कि बीच में पीढ़ी पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, और जो मुख्य पितृ देवता लोग ये पिता नहीं, आपका पिता आपके दादा वो नाराज नहीं, उनके नाराज की सबको संतान नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो प्रधान जो देवता 27 माने गए हैं अग्निश्वत्तादि है कि नहीं, हरियमा अग्निश्वत्त जो गिना जाता है जिसके 27 पिंड दी जाती है, वो देवता पितृ देवता है, वो नाराज हो जाते उस वंश में, उस वंश के ऊपर जिस वंश में उन लोगों को दिए जाने वाले वास्तविक जो तर्पण आदि समय से पर न दिए जाने पर, वो कहते धरती पर ऐसा वंश नहीं रहना चाहिए, इसलिए फिर उनको टैक्स देना है ना, वो मालिक लोग हैं प्रजोत्पत्ति के प्रति, उनको जो देना चाहिए दिया नहीं, अकेला अपना पुत्र उगे ऐश कर रहे हो, कार चलेगी ये सात पीढ़ी वर्ष खत्म कर देते हैं, वही कुंडलियों में काल सर्प योग के रूप में दिखा देता है, जिसके कुंडली में काल सर्प योग है तो समझना चाहिए कि उसके ऊपर पितृदोष आ गया है, अब आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये वंश मिट जाएगा, निसंतान हो जाएंगे, ये स्वतः ही ज्ञापन हो जाता है, इस राजा का कोई दोष ये, अरे राजा का कार्य को दोष नहीं है, ऐसे घर पैदा क्यों हुआ राजा, उसके भी पहले से पाप है, इसलिए ऐसे घर पैदा और काम, सीधी सी बात है, नहीं तो अच्छे घर में क्यों नहीं पैदा, जहां पर छह छह बच्चे हो जाते लड़के, जन्म की लड़की यहां देखो हमारे आस पड़ोस बिहारी है, लाइन से लगा दे रहे छह छह, इनके तो कोई पितृ दोष नहीं लग रहे, ऐसे घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, उसी घर में क्यों पैदा हो रहा है, मतलब उसके भी पाप ऐसे ही, उसके भी कर्म, हर व्यक्ति का अपने अपने कर्मानुसार नहीं तो जन्म होता है ना, भारत कहां से तय हुआ, तुम्हारे कर्म से तय हुआ है कि तुम्हारे पिता के क्या कर्म के तुम्हारे कर्म तय हो रहा है, क्या भारत में नहीं हो कहां से हुआ,
हुआ ना, प्रारब्ध में बाहि तत्व है क्या जो परमात्मा परिणाम रहा है। स्वकृत अनंत संचित कर्मों में से कुछ हिस्सा जो फलोन्मुख हो गया उसका नाम धारण कर्म। अर्थात क्या, हमने जन्म जन्मांतर में ऐसे कर्म कर रखे हैं, इस जन्म में ऐसा प्रारब्ध कर्म हमारा जब फलोन्मुख हो चुका है जिससे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ऐसे ही घर में जन्म देगा, ऐसे ही औरत से शादी करा देगा जो बांध जाए, संतान नहीं हो, परेशान रहो। आप जबरदस्ती ऋषि दे भी देते तो फायदा क्या है, वो भी टिकता थोड़े है, कहां से टिकेगा, चलेगी थोड़ी उससे गाड़ी है। आज सबका भी यही हाल है, ये तो कलयुग में तो सबका हाल है, वो समय तो एक दो का हाल बता रहे हैं ना, इस कलयुग में तो सबका यही हाल, क्योंकि किसी का लड़का तो कोई पिंडदान नहीं करता ना, कुछ श्राद्ध करता है ना कुछ नहीं करता है, तो सबका वही हाल है। इसलिए अब यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों, कलयुग में तो नरक स्वर्ग दोनों ही पृथ्वी पर ही है, सब नरक में पड़ रहे हैं, ये जितने दुखिया बेरोजगार क्या है, ये सब नरकवासी जीवात्मा है, जितने बेरोजगार क्या है, ये सब नरकवासी जीव है, सब बेचारे भटके जा रहे, नौकरी न चाकरी न खाना न पीना बड़ा मुश्किल है, घर में गारी बाहर गारी, जा देखो वही परेशान, नरक है तो है क्या जिंदगी। और जो बाबू बन के बैठा है लौट लाओ, काम ही नहीं करूंगा, वो स्वर्गवासी है, नहीं मौज कर रहा है घर बैठे, वो कुछ करता करता है नहीं, कागज को इधर के उधर उधर के इधर फेर देता है और 100 रुपया ले आओ और एक साइन मारता है, स्वर्गवासी हुआ कि नहीं हुआ, यही सब कुछ है आपका नरक स्वर्ग, सब कुछ देखने में ही मिल रहा है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हाँ? धीरे धीरे कम हो रहा है, अब तो हम तो हमारे एक हो गए हैं, धीरे धीरे तो सरकारी कानून बढ़ा दिया, हम तो हमारे एक करो, बाद में कहेंगे जो शादी नहीं करेगा उसको डबल तनख्वाह मिलेगा, जैसे चाइना वगैरह में, चाइना में भी कानून बन गया जिसका जो शादी नहीं करता है उसको सरकारी नौकरी तुरंत मिलेगी, जो शादी करा है उसको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी लिया है मिला पहले बाद में शादी कर लिया नौकरी से निकाल दिया जाता है, आतंका कम कर दी जाती है, ऐसे ऐसे नियम आए हुए वहां पर, इसका एक संतान है तो इतना तनखा, दो संतान है तो इतनी तनखा, ऐसे सब तय कर दिया, बेचारे परेशान है वो, और क्या करे, कानून तो कानून है, और कानून ही लागू हो जाता है सब पर, ये पहला तुम कर ना सको, करना चाहो नहीं कर सकते, इसे हमने कहा ना अब धीरे धीरे लिविंग टैक्स लगने वाला है विश्व में, जीवन कर, अब जीवन बीमा चल रही थी ना, जीवन बीमा तो चलता है, अब जीवन कर भी लागू हो जाएगा हर देश के अंदर, तुम हमारे देश में जिंदा रहना चाहते हैं तो हर महीने कितना रुपया जमा करना पड़ेगा सरकार को, क्यों जिंदे हो तुम, यहाँ का हवा पानी बिजली टाक सब लेते हो, हमारे दर दर बोझा बने हुए हो, और ऊपर से नौकरी नहीं मिली तो झंडा देके स्ट्राइक करते हो, हमें तंग करते हो अनेक प्रकार सरकार को, इसलिए जो तुम्हारा तंग करने का भी तुम्हें तंग खा लेना, लाओ पैसे टैक्स लेंगे, जिंदा रहने का डर जब लगेगा तब पता चलेगा कैसे पितृदोष लागू हो रहा है, तब तो कहां से हो जाएगा आदमी, धीरे धीरे आएगा वो भी समय, चिंता मत कीजिए, कलयुग में सब होना है, ये सब यथातरे दुष्टान, और ऐसा जो दुष्टान दोष है उसको जिस प्रकार से मैं कर सकूं, वह जो प्रजया तद विजयी न, प्रजा के माध्यम से जिस प्रण संतान प्राप्ति द्वारा मैं जिस प्रकार से तर सकूं वह विधि आप हमारे लिए बताइए। श्री शुक उवाच इत्यर्थित स भगवान कृपालु ब्रह्मण सुत श्रवयित्वा चरुं त्वाष्ट्रम त्वष्टारम मजयत विभु। ऐसा प्रार्थना किए जाने पर और ब्रह्मा जी का सुपुत्र जो अंगिरा प्रथम उत्पन्न 10 ऋषियों में से एक ऋषि है, उन्होंने क्या किया, बड़े कृपालु है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उन्होंने श्रवित्वा चरुं त्वाष्ट्रम त्वष्टा देवता के लिए चरु का जो है श्रवण किए, हवन किया, त्वष्टारम अजित विभो, वह विभो वह सर्वव्यापक जो है ऋषि महान ज्ञानी विद्वान है, ब्रह्मनिष्ठ है, इसलिए विभूषण विशेषण दे दिया उनको, उन्होंने जो इस समय प्रकट से यजन किया, और यज्ञ शेष किसको दे रहे हैं, ज्येष्ठा श्रेष्ठा चाहिए राज्यों
महिषीराञ्च भारत नामना कृतदितस्तस्यै यज्ञो चिष्टं मदाद्विजः। चिष्टा श्रेष्ठा च या राज्ञा, राजा का जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ सकल पत्नियों में महिषीराम, सकल राणियों में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ राणी थी। हे भारत, अरे वृक्ष सुनो, नामना कृतदित, नाम से क्या थी वो? कृतद्युति। तस्यै उसके लिए यज्ञ शिष्टम अदाद्विजः, ब्राह्मण श्रेष्ठ गिरा ने उनको क्या किया? यज्ञ शेष को प्रदान कर दिया। अंगिरा महर्षि अंगानी एव राति या सा अंगिरा, सकल मुंग जो रक्षा कर रही है उसकी धन को प्रदान करता है जो, उसका नाम अंगिरा। अंगों को हृष्ट कौन कर रहा है? प्राण। यह प्राण रूपी अंगिरा ने क्या किया? राजा चित्र केतु का पत्नी कृतद्युति, कृत का मैंने स्वकृत कर्मों को ही सर्वत्र प्रकाशित कर रहा है, जीवन रूपेण प्रकाशित करने वाली है जो, उसका नाम कृतद्युति बुद्धि। उस बुद्धि को अंगों का सार होता जो अंगिरा, उसने क्या किया? प्राण ने उसको संतान के योग्य बना दिया। यज्ञ शेष देने का मतलब क्या? जीवन रूपी यज्ञ का शेष रूप सामर्थ्य को उसने क्या कर दिया? प्राण रूपी चीज ने उस बुद्धि रूपी तत्व को जब दे दिया तो जीवात्मा रूपी चित्र केतु के माध्यम से संतान उत्पत्ति हो जाएगा, ज्ञान उत्पत्ति होगा। लेकिन ज्ञान टिकता नहीं, जो ऐसा जबरदस्ती दूसरे का दिया हुआ जो चीज होता है ना, वो टिकता नहीं। बनाया हुआ चीज या बनवा दिया गया हुआ चीज ये कभी नहीं टिकते, ये यहाँ पर होता है, टिकता नहीं। दुख ही मूल है उसका और कोई रास्ता नहीं। अतः त्रिपति राजम भवित हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम इति ब्रह्म सुतो ययौ। ब्रह्म सुत अंगिरा वहां से चले गए ऐसा बोल करके, हे राजन, अरे चित्र के तो सुनो, द्रिपतिम भविता एक प्रजा, द्रिपतिमा राजा के प्रति कहा, क्या कहा? अरे राजा सुनो, तुमको एक पुत्र होगा, एक ही होगा, ज्यादा नहीं, लेकिन वो तुम्हें पहले हर्ष देगा, बाद में शोक देगा। वो समझा नहीं इस बात को राजा, वो सोचा हर्ष देगा और शोक देगा, मतलब क्या? तो बीमारी मारी होती रहेगी तो थोड़ा बहुत शोक मिल जाए, कोई बात नहीं, जिंदा तो रहेगा ना, मेरे मरने के बाद ही मरेगा, ऐसा सोचता है। पहले मैं पैदा हूं इसे मैं पहले मरूंगा, बाद में पैदा हुआ है इसे बाद में ये मरेगा, ऐसा वो सोच करके उस शोक का तात्पर्य किंचित दुख को मैं कटा देता है। और वो सोचता ही नहीं है ये अल्प आयु वाला है, ये समझता नहीं है। जैसे हम लोगों की भी यही गलती होती है, प्राप्त तो हो जाता है ज्ञान, लेकिन लापरवाही हो जाती है, ये सोचते है नहीं इस ज्ञान को हम जल्दी बांटने लग जाए तो क्या होएगा, है कि नहीं? इस ज्ञान को बेचने लग जाए तो क्या होएगा, सोचता ही नहीं आदमी, वेदांत पर प्रवचन करके कमाने में लग जाता है, बिना कैपिटल डाले, बिना जो है क्या होते, पगड़ी बोलते, पगड़ी देना पड़ता है 1-2 लाख दुकान बनाने के लिए, या ना पगड़ी देनी पड़ती है ना कोई आपका इन्वेस्टमेंट है, सीधा जाइए दोनों हाथ में लड्डू है, नहीं समाज में जहां बैठे वहीं प्रवचन झाड़ा उसने और दक्षिणा पानी भी रहे, खाने पीने को माल पानी भी मिल गई, नहीं ऐसे जो करेगा उसका ज्ञान टिकता नहीं है। वह लोगों को खुश करने के चक्कर में देने वालों को खुश करेगा, ना देने वालों को देखना भी नहीं चाहेगा, ये भेद बुद्धि आ जाती है, जैसे उसका वेदांत ज्ञान उससे च्युत हो जाता है और धीरे धीरे माया जाल में फंसता है और स्वविनाश का ही कारण बन जाता है। ये बात यहाँ पर संकेतित कर दिया, ज्ञान टिकता नहीं, क्यों वो समझना है। सापित्रादेव चित्र के तोर धारयत गर्भम कृत जुर्देवी कृत्यकाग्निवात्मजम। सापि वह ज्येष्ठ प्रति जो कृतद्युति थी वह तत्प्रासादेव उस यज्ञ शेष का खाने मात्र से सामर्थ्य प्राप्त करके चित्र केतु के प्रदत्त बीज का रूपा गर्भ को धारण कर ली और कृतद्युति देवी कृत्यकाग्निरिव आत्मजम अधारयत। कृतिका अग्निरिव, जैसे कृतिका अग्नि को धारण करती है उसी प्रकार से वह चित्र द्युति कृतद्युति आत्मज को धारण कर लिया। दृष्टांत लगा दिया यहाँ पर,
तमस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्षैव उपः भवते सूरसेनेश तेजसा शनकैन्द्रिपः तस्या अनुदिनं गर्भः और सर गर्भ दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा कला प्रति कला बढ़ते जाता है उसी प्रकार से वह हृदय शूरसेन शूरसेनेश तेजसा सूरसेन का जो ईश है सूरसेन वंश का जो अब स्वामी बन के रह रहा है चित्र केतु का तेज रूपा वीर के कारण से वो जो है वृद्धि को प्राप्त धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त कर रहा था हे नृप परीक्षित के लिए का संबोधन है। अत काल उपावृत्य कुमार समझायत जनयन शूरसेना नाम शमलताम परमामुदम काल सम्यक काल आने के आने पर अर्थात 9 मास के पूरे होने पर कुमार समझाए तो एक सुपुत्र का जन्म हो गया जनयन शूरसेना नाम शमलताम परमामुदम उत्पन्न होते हुए यह समाचार जो है जैसे शूरसेन के लोगों को प्राप्त हुआ सभी के अंदर आनंद की प्राप्ति हुई। हृष्टो राजा कुमार से स्नात शुचिर लंगृद वाचित्वाशो विप्रे कारया मास जातकम जात कर्म संस्कार का उसने अनुष्ठान किया। सबसे पहला संस्कार होता है बच्चे के जन्म के बाद जात कर्म संस्कार उसको कहते हैं जातकम ने जात कर्म संस्कार को उसने किया। कैसे किया हृष्टो राजा प्रसन्न हुआ राजा कुमार के जन्म को सुन के प्रसन्न हुआ राजा स्नात शुचिर अलंकृत स्नान किया शुद्ध हो गया अलंकार कर लिया ब्राह्मणों को बुला करके विभिन्न प्रकार की जो पूजा पाठ जो करनी करानी थी वो सब पाठ कराया मंगल स्नान मंगल वाचन आदि कराने के बाद में काया मास जातकम जातकर्म संस्कार भी करा दिया। कराने के बाद उन ब्राह्मणों को ते व्योषण्यम रजतम वासांस्याभरणानि च ग्रामान नयान गजान प्रादात धेनु नाम नर्मदानि षट् बवर्ष कामम अन्येषाम पर्जन्यो देहिनाम धन्यम यशस्यम आयुष्यम कुमारस्य महामनाः कुमार के क्रिया हेतु दीर्घायु और आरोग्य ऐश्वर्य आदि हेतु उसने क्या किया उन ब्राह्मणों को हिरण्य दिया रजत दिया सोना चांदी कपड़ा आभरण आभूषण जिसको जो चाहिए जिसको जो मांगा गाय दे दी दान में घोड़े दिया हाथियों को दिया गायों को दिया धेनु नाम प्यारभूदान षट 6 अरब गायों का दान दे दिया। बाप रे बाप बहुत हो गया 6 अरबदानी धेनु नाम वर्ष काम अन्य मित्राई नहीं अन्य सब भी जो ब्राह्मण नहीं थे उसके इष्ट बंधु मित्र आदि थे जो जिसने जो मांगी उसको वही चीज बरसात के समान सब कुछ दे दिया। पर्जन्य युव दे अन्य सब भी दे अन्य भी देयों को जैसा पर्जन्य बादल बरसाता हो वैसे उनके सकल कामनाओं को देते गया चाहे धन संबंधी हो यश संबंधी हो आय संबंधी हो सब कुछ दे दिया। धन्य मन धन करम आयुषम आयुष करम महामना अत्युदार सन कुमार से कल्याणम प्रति इच्छित्वा सब कुछ दे दिया उसने। कृच्छलब्धे यत राजर्षे तरी अनुदिनं विदोह यथा विश्वस्य कृच्छाब्धे धने स्नेह अनुवर्धत जैसा निर्धनी आदमी की लॉटरी खुल गई और उसके पास जो है 2000-5000 की लॉटरी छोटी मोटी खुल जाती इतना ही बहुत है जो निर्धन है बेचारा है ऐसे को मिल जाए तो वो क्या करेगा 36 बार गिनते रहेगा रोज देगा कहीं कम तो नहीं हो गया कहीं कोई उठा तो नहीं गया कहीं हवा से तो उठ रहेगा नहीं कल्पना करेगा वो बार बार ट्रंक खोलेगा बार बार देखेगा वही है ठीक ठाक है फिर बंद करेगा ऐसे चलते रहता है उसका है कि नहीं कहीं चूहा इधर से उधर घुस गया और पता नहीं चोर तो नहीं आ गया फिर खोलेगा और देखेगा जैसा निस्वस्य निस्व स्व में धन से रहित व्यक्ति कृच्छलाब्धे धनी बड़ा मुश्किल से धन पा लिया उसमें स्नेह अनुवर्तता उसमें इतना प्रीति और आसक्ति बढ़ जाता है उसे 1 रुपया घटनी नहीं चाहिए ऐसा कर देता है घट जाए तो मुश्किल पड़ जाएगा या नहीं तो इसलिए कहते हैं यथा तथा राजर्षि धनी अनुदिनम पितु कृच्छलाब्धे बड़ा कष्ट पूर्वक प्राप्त किया था ना उस पुत्र को अपुत्र वाला यह व्यक्ति पुत्र प्राप्त जो बड़ा कठिन से प्राप्त होता जो दिन प्रतिदिन उस पुत्र के प्रति उसके अंदर क्या हुआ अनुराग और आसक्ति बढ़ते गया। मातुस्तुतराम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भव कृतद्युते सपत्नी आम
प्रजा कामन चरो भगत गड़बड़ी शुरू हो गई। अब क्या करें, राजा जो है उस पुत्र मोह में उसी पत्नी के प्रति विशेष प्रेम करने लगा। 24 घंटा वही रहना, बच्चा वहां है ना, 24 घंटा वही रहता था। अब बाकी कितने करोड़ थे पत्नी, उनको कौन सुने, इतने लाखों पत्नी मानते, 1 करोड़ टोटल पत्नी थे, उनसे एक को बात तो दे दोगे तो क्या होगा। अब बाकी सबके अंदर भी इच्छा होने लगी, हमें भी प्रजा होती तो जरूर जो है राजा हमें भी प्यार करता, हमें भी सम्मान मिलता। अब तो हमको दुत्कार रहेगा, कहां से आगे डिस्टर्बेंस कर रहे, हमें अपने बच्चे से प्यार कर रहे, तुम आ गए बीच में। किसी को भी वो आदर नहीं करता और सब में अभी ईर्ष्या द्वेष पैदा होने लगेगा, जिसने जहर देकर उस बच्चे को अंत में मार दे, शोकाब आ जाएगा। वे कह रहे हैं चित्त के तो अति प्रिय मातुस्तु अति धराम पुत्र, पुत्र में माता का तो अति धराम स्नेह मोह समुद्भव मोह से उत्पन्न स्नेह है ना, निष्कल निश्चल निष्कपट स्नेह नहीं था, मोहसिक्त स्नेह था, गर्व है वहां पर। देख आक्रमित वंश को चलाने वाली मैं हूं, यदि मैं ना होती तो वंश कैसे चलता, मेरे वैसे पुत्र रखा और अपने पुत्र और इसलिए कि पुत्र के कारण सुख सम्मान मिल रहा है विशेष, अतएव पुत्र के प्रति मोह है, पुत्र हुआ इसलिए पुत्र के प्रति नहीं, प्राप्त जो विशेष सम्मान आदि के कारण से पुत्र के प्रति स्नेह बढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं मोह समुद्भव स्नेह। कृतद्युते है सपत्नी नाम, कृतद्युति की जो अन्य पत्नियां थी उन्होंने क्या किया, प्रजा काम जुर्बत, उन लोगों के पेट के अंदर भी प्रजा के कामना का बुखार चढ़ गया, मन उसकी इच्छा बड़ी तेज होती गई है ना, एक वृत्ति ब्रह्म चिंतन करने लग जाए अन्य वृत्तियां तो छपटपटाएंगे। आप एक इंद्र से प्रमाद हो जाए अन्य इंद्रिया गाने लगे, तो हमने क्या अन्याय किया है, इसे देखा है ना उपनिषद आप देख रहे हो, इंद्रिया लड़ जाते हैं सारे इंद्रिया, मैं भी 24 घंटा बोलूंगी, मैं 24 घंटा देखूंगा, इंद्रियों की आपसे लड़ाई होती है। अब एक इंद्रिय को आप लगा दोगे ब्रह्म ज्ञान में, बाकी इंद्रिया तो नाराज तो हो ही जाएंगे, इसलिए कहा गया सर्वेंद्रियों को संहार करना चाहिए, सर्वेंद्र वृत्तियों को ब्रह्म में लगाने चाहिए। एक इंद्र वृत्ति पर लगाओगे अन्य इंद्रियों के साथ अन्याय होएगा, तो अंत में मुक्ति क्या मिलनी, शोक ही मिलता है। ये यहां पर हो रहा है, चित्र के तोरति प्रीतिर यथा तारे प्रजावती न तथा अन्य संजज्ञे बालम लावतो अन्वहम। चित्र केतु के अंदर प्रजा वाली उस पत्नी में कृतद्युति में जिस प्रकार की अति प्रीति थी, न तथा अन्य संजज्ञे अन्य में उस प्रकार के प्रति उत्पन्न कभी नहीं होता रहा। पालम लाल है तो वन वहम, और बच्चे को लालन पान करता दिन प्रतिदिन उसकी जो जो उस पुत्र का जो माँ है कृतद्युति में ही विशेष प्रति बढ़ते गया और अन्यों के प्रति अवहेलना करने लगा। तापर्यतपन्नातारम राज्यो नादरणेन च ताह परितप्तन, वे सारी देवियानी जो थी वो परितप्त होने लगी। आत्मानम गर्यन्ति, उन्हें देखा भाई हम अपने आप की निंदा करने लग गई, अपने आप की निंदा करती हुई अभ्यसुया अंदर में असुया जगने लगा, असुया इसलिए उसके गुण में दोष देखने लग गए, उचित है जो हो रहा है लेकिन उसको अनिचित समझने लगी। आनपत्य दुखी न अपत्य भाव का दुख के कारण से राज्य अनादरणी न, राजा के होता हुआ अनादर के कारण से भी उन्होंने क्या किया, दिक्क प्रजा स्त्रियम पापम पत्युश्चाग्र असम्मदाम सुप्रजा भी सपत्नी भीर दासीम इव तिरस्कृताम। दिक्क प्रजा स्त्रियम पापम, स्त्री पाप रूपा है जिससे कोई संतान पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ हो, क्योंकि पत्युच्च अग्रह सम्मताम, पति का घर में सम्मान रहित होकर रहना वही हाल है जो दासी के दासी का हाल हो जाता है, दासी के भी जो दासी है उसे जो दुर्दशा है वही दुर्दशा उस औरत की हो जाती है
जिस औरत को कोई संतान नहीं होता है, सब प्रजा भी सपत्नी भी दासी भी वह तिरस्कृता, सब प्रजा भी सपत्नी भी कहते हैं सुष्ट प्रजा प्रातन पत्रियों के साथ जीने वाले अन्य दासियों के समान तिरस्कृत होकर रहना पड़ जाता है। दासी नाम को संताप स्वामी न परिचर्या अभिष्टम लब्धमाना नाम दास्या दासी व दुर्वगा। कहते हैं दासी का जिंदगी भी हमसे अच्छी होती है, क्यों? वो दासी उस आदमी की सेवा करके बहुत कुछ प्राप्त कर लेती है और हम लोग तो पूछते ही नहीं। इसे करिए कि दासी नाम कौन संताप, दासी में क्या संताप हो सकती है? स्वामी ने परिचर्या अभीष्टम लब्धमाना नाम, ये स्वामी की परिचर्या करेगी, बार बार अपने मान को प्राप्त करती है, धन दौलत को प्राप्त, सम्मान को प्राप्त करती है, इसे उसे क्या संताप हो सकता है? लेकिन हमारी संताप को कौन समझ सकता है? दास्या दासी व दुर्भगा, हम सब कैसे हैं? दासी का भी दासी जैसे होती है वैसे हम लोग दुर्भगा, अत्यंत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो लोग हैं। एवं संदेह्यमाना नाम सपत्न्या पुत्र संपदा राज्यो असम्मत वृद्धि राम विद्वेषो बलवान भू। एवं संदेह्यमाना नाम, इस प्रकार से जलती हुई वे सारी सपत्नियां पुत्र संपदा, अन्य में हुई जो पुत्र की संपत्ति को देख देख कर जल रही हैं सारी की सारी, उन्होंने राज्य असम्मत वृत्ति नाम राज्य के प्रति भी उन लोगों के हृदय में क्या हो गया? असम्मत वृत्तियां होने लगी, उल्टा उल्टा सोचने लगी, ये राजा बड़ा दुष्ट है, ये है वह है, जिसको मैंने इतना प्यार कर दी थी वही राजा के प्रति अब वे सभी के सभी औरतें विरुद्ध में चलने लगती हैं। विद्वेषो बलवान थे, उन लोगों के हृदय में विद्वेष इतना बलवान हुआ, सारी की सारी 99,00,000 पूर्णांक वाले सब है टोटल, और पूर्ण काम हो जाएंगे। अब सामने बैठक ली, हम लोग कितने अपमान और धनों को क्या करना चाहिए, और सब निर्णय एक प्रस्ताव पारित हो गया एक मत से, ये भय खत्म कर दो, अब ज्यादा लंबा चले नहीं देना, क्यों? बड़ा हो जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो खाएगा पिएगा नहीं ना, फिर हम लोग क्या थोड़े खा लेगा, अब तो जो है दुदुआ बच्चा है 6-7 महीने का, और रखता होगा साल भर का होगा, अब जो दे दो जो भी प्यार से दे दे वो खा लेगा, यही टाइम है, साल भर के बाद में यदि करने का प्रयास करो तब तक समझदार हो जाएगा। इसे हमने मीटिंग में पारित कर दिया, अब क्या कहा जाए इनकी मीटिंग के बाद, बाप रे विद्वेष नष्टमतया स्त्रियो दारुण चेतस गरम दधु कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति। नृपति जो राजा के प्रति दुर्मर्ष असहनशील होकर के उन लोगों ने क्या किया, विद्वेष नष्टमतः विद्वेष काम से विवेकहीन हुई वे सारी स्त्रियां भयंकर चित्त कठोर चित्त दारुण चित्त अपना चित्त की तरह कठोर कर दिया, उस सुंदर बालक को उन्होंने जहर दे दिया। आप चार दे करके चल पड़ी रात के समय, और सवेरा हुआ जब कृतदित्य और अजानंदी सपत्नी नाम भव महत सुप्त ये वेति संचिंत्य निरीक्ष विचरत गृहे। कृतदित्य दूसरा दिन सवेरा हुआ, वो जानती नहीं उनकी अन्य जो है ना सहपत्नियां हैं, वे सारे जो पाप किए हुए हैं उसे न जानते हुए वो यही सोच रहे अभी बच्चा सो रहा है, यूं सोच करके अपना घर के अन्य काम धंधा करने में लग गई, अन्य कार्य में व्यस्त हो रही है। सपति राम अगम माद अगम अजानती सुप्त एवज संचित, ये मान के चल रही है सोई हुई है, सोया हुआ है बच्चा, सोच करके निरीक्ष बार बार देखती है, उठा तो नहीं उठा तो नहीं, और बार बार ऐसे देखते रहे अपना अपना घर में ही, इधर से उधर कार्य करता होगा, घूम फिर रहती विचरत गृह देखती है भाई कब तक ये सोते रहेगा। अब धाई को बुलाई और कहते जाओ बच्चे को प्यार से जाकर के उठा के ले आओ, शयानम सुचिरम भारम उपधार्य मनीषिणी पुत्रम आनय मे भद्रे इति धात्री मचोदयत। सुचिरम कालम शयानम भारम, बहुत लंबे समय से सोया हुआ है,
सवेरे हो गया, छह बजे, सात बजे, आठ बजे जग जाना चाहिए, इससे और क्या लेट होगा। नौ बज गया, दस बज रहा है, जगा ही नहीं। तब उसने देखा कि भाई, उसने कहा हे बद्रे, हे रात्रि, हे कल्याण प्रदान करने वाली, सुनो, जा करके पुत्र मानय इति धात्री मचोदय। उस धात्री को उसने प्रेरणा दी। साशयानुपव्रज दृष्टाचोत्थारलोचनम् प्राणिन्द्रियात्मभिश्चक्तम् हतास्मित्यपतद्भुवि। वहीं गड़बड़ देखी उसने, उत्थार आलोचनम्, आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी, समझ गई आवे बच्चा खत्म हो गया है। साशयानुपव्रज स्वतवस बाल के पास गई, उत्थारलोचनम् दृष्ट्वा उसने देखा, उद्रते तार की कनीनी के योते लोचने यस्य सा इति उत्तार कलोचने। जो कनीनक है, जो तेज वाला बिंदु होता है, वो भी ऊपर की ओर चढ़ गया, तो समझ लीजिए वो कारण में लीन हो गया। कौन? चक्षु कर प्रयाग देवता। इस अंधे यूं देखते ना, यूं अंधों की आंखें ऊपर ही रहती थी, और भी विचित्र गति है। तो उसे देख करके घबरा गई, प्राण इंद्रियात्म, प्राण इंद्रिय और अंतकरण से परित्यक्त तो शरीर को देख करके हतास्मिति, अरे मैं मर गई, ऐसे चिल्लाते हुए वो बेहोश होकर धरती पर पड़ गई।